रस्म आली शान के तहत और भी एक्टिविटीज़ होती रही हैं, जिसकी वक्ता फ़क्ता हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहे हैं। लाहौर में, कराची में, हर जगह और भी रोड शोज़ अभी होने हैं, आपकी तरफ भी आना है, तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। अमीन साहब, मैं आपसे पता करना चाहूँगा, जो बात हम पहले कर रहे थे वो ये कि क्या सिविल सोसाइटी ने अपना किरदार अदा किया, अगर नहीं किया तो हम आगे कैसे कर सकते हैं, आप क्या समझती हैं, कहाँ हमारी कमी है कि सैलाब ने और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हमें यह दिखा दिया कि गुर्बत हमारे यहाँ दरअसल किस शक्ल की है। कितनी का तो हम बातें सुनते हैं, वो जी बड़े गरीब हैं, इतने फीसद लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन के नीचे का मतलब मैं नहीं समझता कि लोगों को अंदाजा था, वो इस सलाम ने दिखा दिया कि उसका मतलब क्या होता है। हाउ आर वी गोइंग टू चेंज दैट? आई थिंक इट्स नॉट अ वन डे जॉब कि हम ये बोलें कि बिकॉज वी हर्ड अ लॉट दीस डेज कि जी रेवोल्यूशंस की बात हो रही है, they've been referring to the revolutions, the politicians and everything. I think it's not about that anymore. वो वक्त अलग था जब रेवोल्यूशन आते थे। वट आई बिलीव कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत पेशेंस वाला प्रोसेस है, और आई थिंक कॉमनर्स को, जैसे हम और आप हैं, यू वी बी द कॉमन पीपल, और हमको जो है बहुत पेशेंट होना है इसके अंदर। दिस इज वॉट आई थिंक, बिकॉज जितना क्लोजली ऑफकोर्स मीडिया ने हमको दिखाया ये डेवस्टेशन, ये चाहे वो अर्थक्वेक की थी, चाहे वो ये सैलाब की थी, बट वी गेट टू नो यू नो दैट द पीपल हु नीड अस, और उसमें अब हमको बातें नहीं करनी है, अब हमको काम करना है। दिस इज हाउ आई फेल्ट। मुझे, मैंने बात की, उससे लोग नाराज भी होते हैं, और मैं जफर भाई की तरफ भी आता हूँ उसी सवाल में कि मैं शायद तंज में कहा हूँ या लेकिन हकीकतन भी कहता हूँ कि इस सैलाब ने इन गरीबों को हमें दिखा दिया कि कितने हैं, और इस वक्त हम बड़ा फील गुड अपने चक्कर में इनको बड़ी मतलब आटा देने लगे तो इतना आटा दे दिया कि शायद शहर में आटा ना बचाओ। फिर किसी को ख्याल आया कि ओहो चावल देना चाहिए, फिर मैं चावल देना शुरू कर दिया। फिर किसी ख्याल आया कि जी हमें वो हैम्पर देने चाहिए जिसमें बाल्टियाँ हो, तो अब मेरे ख्याल से हर फैमिली को हमें छः छः बाल्टियाँ तो दे दी हैं। ये जो इनऑर्गेनाइज एक्टिविटी है वो, और ये कहना कि क्या हम इनको याद रखेंगे आने वाले वक्तों में, डू एग्री? फैसल, ऑल ऑफ दैट यस, मैं उसके ऊपर भी बात कहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम। वो डार्विन ने बहुत पहले कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, और अगर तो आप सेल्फ प्रिजर्वेशन करेंगे, अपने आप को बचाएंगे तो आप बचेंगे। जिस तरह से जफर साहब ने कहा ना कि वो इनकाज भी आए और एस्टिक्स भी आए और मायाज भी आए और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, तो अगर आप अपनी प्लानिंग दुरुस्त नहीं कर लेंगे, अगर आप इसके बारे में सोच नहीं लेंगे, अगर आप इसके बारे में कुछ टाइमली नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल के ऑल फैक्टर्स रिमेनिंग, आप जिस तरीके से बुरे काम करते चले जाएं, आपकी कोई प्लानिंग ना हो, आपकी कोई थॉट ना हो, आपकी कोई स्ट्रेटजी ना हो, एंड यू विल एग्जिस्ट एंड यू विल फ्लोरिश एंड यू विल बाउंस आउट ऑफ इट, इट वोंट हैपन।